हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश, योर टेकमेट। एंड दोस्तों, Realme 11X 5G फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। बेस वेरिएंट आपको मिलता है 14,999 रुपीस के प्राइस पॉइंट पर। एंड इस फोन के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अगर देखे जाएं तो टेक्नो पोवा 5 प्रो एंड इन्फिनिक्स नोट 30 5G, ये जो दो स्मार्टफोन है डायरेक्ट कंपटीशन देते हैं Realme 11X 5G को। अब Realme 11X 5G को टेक्नो पोवा 5 प्रो के साथ में हमने ऑलरेडी कंपेयर कर दिया है, एक डेडिकेटेड कंपैरिजन ऑलरेडी चैनल के ऊपर आ चुका है। अगर वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। आज की वीडियो में कंपेयर करते हैं Realme 11X 5G को इन्फिनिक्स नोट 30 5G के साथ में। एंड मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन किन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है, बस एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। So, without wasting any time, let's get started. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को। Realme 11X 5G की अगर बात करें तो यहां पर आपको प्लास्टिक का बैक दिया गया है, मेटल का फ्रेम यहां पर आपको मिलता है एंड ग्लास फ्रंट यहां पर आपको दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी Realme 11X 5G में आपको काफी अच्छी मिल जाती है। 190 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है, 7.9 mm के आसपास थिकनेस है, तो लाइट वेट है, स्लिम है एंड दिखने में भी अच्छा है, ओवरऑल गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। वहीं पर Infinix Note 30 5G की अगर बात करें तो दो बिल्ड वेरिएंट यहां पर आपको मिलते हैं। ग्लास बिल्ड आपको मिलता है एंड वीगन लेदर बैक के साथ में आता है, साथ ही में प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है। बिल्ड क्वालिटी Infinix Note 30 में भी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ फोन के वेट की अगर बात करें, 205 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है एंड 8.5 mm की थिकनेस है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हेवी वेट है एंड थोड़ा सा मोटा भी है भाई साहब फोन। तो अगर आपको स्लिम एंड लाइट वेट फोन लेना है तो Realme 11X 5G आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए ग्लास बिल्ड के साथ में तो Infinix Note 30 5G के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिलती है। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो Realme 11X 5G में आपको 6.72 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, बड़े साइज का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है, IPS LCD पैनल यहां पर आपको मिलता है एंड साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट दिया गया है। एंड ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहां पर आपको मिलती है, साथ ही साथ वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी Realme 11X में आपको अच्छी मिल जाती है। वहीं पर Infinix Note 30 की अगर बात करें तो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है भाई, 6.78 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है, जहां पर भी आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है, IPS LCD पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। लेकिन ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको 580 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि स्लाइटली कम है Realme 11X के कंपैरिजन में। एंड वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर डिस्प्ले को कंपेयर करें तो डिस्प्ले में बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हां, Realme 11X 5G का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बेटर दिया गया है, ब्राइटनेस आपको थोड़ी सी बेटर मिलती है। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, Realme 11X 5G में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6100 Plus प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग का इशू आपको कम देता है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, 2 A76 वाले आपको कोर्स मिलते हैं, डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Arm Mali G57 MC2 GPU मिलता है, गेमिंग ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिल जाएगी, LPDDR4X RAM दिया गया है, UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलता है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस में शिकायत आपको नहीं आएगी। लेकिन Infinix Note 30 5G की अगर बात करें तो यहां पर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर। अब अगर नेमिंग कन्वेंशन पर आप जाओगे तो आपको लगेगा 6100 प्लस जो है वो बेटर प्रोसेसर है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, 6080 जो है वो एक्चुअली में बेटर प्रोसेसर है, थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है क्योंकि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी यहां पर भी आपको अच्छी मिलती है, हीटिंग का इशू यहां पर भी आपको कम मिलेगा। लेकिन रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहां पर आपको 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है एंड 6100 प्लस में आपको 2.2 GHz मिलती है, तो डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है मल्टीटास्किंग जो है Infinix Note 30 5G के साथ में आपकी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए वही Arm Mali G57 MC2 GPU यहां पर आपको मिलता है, LPDDR4X RAM मिलता है, UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलता है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे Infinix Note 30 5G में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। एंड नाउ एंटूडू स्कोर्स की अगर बात करें तो 6100 प्लस का जो एंटूडू स्कोर है वो आता है समवेयर अराउंड 350,000, लेकिन Dimensity 6080 का जो एंटूडू स्कोर निकल के आता है वो आता है समवेयर अराउंड 4 lakhs, तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आपको बेटर मिलेगी Infinix Note 30 5G के साथ में। बात करेंगे कैमरास के बारे में,
Realme 11X में आपको दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। प्राइमरी कैमरा यहां पर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल्स का, साथ ही में 2 मेगापिक्सल्स का पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। कैमरा मॉड्यूल अच्छा है लेकिन वीडियो कैपेबिलिटीज आपको थोड़ी सी लिमिटेड मिलती है। एंड सेल्फी कैमरा यहां पर आपको थोड़ा सा वीक दिया गया है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। वहीं पर Infinix Note 35G की अगर बात करेंगे तो यहां पर 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक VGA कैमरा दिया गया है लो लाइट सेंसिंग के लिए। 3 कैमरास आपको पीछे की तरफ मिलते हैं। रियर कैमरा से आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप Infinix Note 35G में आपको बेटर मिलता है। प्राइमरी कैमरा का रिजोल्यूशन अच्छा है, सेल्फी कैमरा का रिजोल्यूशन अच्छा है, वीडियो कैपेबिलिटीज भी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। सो यस, मेरे हिसाब से Infinix Note 35G के अंदर आपको बेटर कैमरा मॉड्यूल मिलता है। बात करेंगे बैटरी के बारे में। Realme 11X 5G के साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, अच्छे साइज की बैटरी है, बैकअप आपको अच्छा दे देगी। 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है एंड 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया जाएगा। सो बैटरी मॉड्यूल Realme 11X 5G में आपको अच्छा मिल जाता है लेकिन Infinix Note 35G में आपको बेटर बैटरी मॉड्यूल देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहां पर भी आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। तो बैकअप तो यहां पर आपको अच्छा मिलेगा लेकिन यहां पर आपको 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड 45 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। सो यस, बैटरी मॉड्यूल यहां पर आपको अच्छा मिलता है, ऑलराउंड फास्ट चार्ज यहां पर आपको मिल जाता है, बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल के मामले में भी Infinix Note 35G जो है बेटर स्मार्टफोन है। इसके बाद में बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में। तो Realme 11X 5G में आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं लेकिन Infinix Note 35G के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड JBL की ट्यूनिंग के साथ में ये स्पीकर्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली Infinix Note 35G का बेटर रहेगा। साथ ही साथ दोनों ही फोन में आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिल जाता है, दोनों ही फोन में टाइप सी पोर्ट दिया गया है, दोनों ही फोन के साथ में आपको 3.5mm जैक भी देखने के लिए मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर कंपैरिजन देखा जाए, स्पेसिफिकेशन वाइज अगर कंपैरिजन देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में Infinix Note 30 बेटर है, डिस्प्ले के मामले में Realme 11X बेटर है, परफॉर्मेंस के मामले में Note 30 बेटर है, कैमरा के मामले में Note 30 बेटर है, साथ ही साथ बैटरी के मामले में भी Note 30 बेटर है एंड स्पीकर्स भी आपको Note 30 में बेटर मिलते हैं। हाँ, अगर UI को कंपेयर करें तो Realme 11X का जो Realme UI है कंपैरेटिवली XOS से आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, एज अ पैकेज देखा जाए, एज अ वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखा जाए तो मुझे लगता है कि Infinix Note 35G जो है वहां पर आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलती है। नाउ प्राइस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो Realme 11X 5G का 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 14,999 रुपीस में एंड Infinix Note 35G का 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 14,999 रुपीस में। लेकिन Realme 11X का 8GB प्लस 128GB आपको मिलता है 15,999 रुपीस में एंड Infinix Note 35G का 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 15,999 रुपीस में। तो Infinix की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी वियर्ड है लेकिन हाँ भाई साहब, 8GB वाला जो वेरिएंट है वो Infinix का ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। एंड यस, मैं तो रिकमेंड आपको करूंगा कि अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है तो Infinix Note 35G परचेस किया जाए, वहां पर आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार हैं, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें एंड ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।